हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर ये डबल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 4K मल्टीपल में फंदे लेके और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए, तो मेरा ये डिज़ाइन अच्छे से बन के आया है। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, स्वेटर में डालिए, किसी में भी डालिए फ्रेंड्स, या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए। डलने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ये पहले मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर का लिंक मैं नीचे बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप इस बॉर्डर को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से जाके आप इस बॉर्डर को बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से बना के कंप्लीट किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम उल्टी साइड से बनाना शुरू करेंगे। 4 सिलाई का डिज़ाइन है और पहले हम उल्टी साइड से पहली सिलाई बनाएंगे। उल्टी साइड है फ्रेंड्स और पहली सिलाई है, इसे हम किस तरह से बनाएंगे वो आप ध्यान से देखिए। पहले सिलाई को धागा चेंज करके फ्रेंड्स पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पहली सिलाई को उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। हमने पहली सिलाई को उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गई फ्रेंड्स इसकी सीधी सिलाई और दूसरी सिलाई की तरफ। सीधी सिलाई है फ्रेंड्स और दूसरी सिलाई, पूरी सिलाई को फ्रेंड्स हम दूसरी सिलाई को भी ऐसे ध्यान से देखिए बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी सिलाई है और सीधी सिलाई है, पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा प्लेन बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने पूरी दूसरी सिलाई को सीधी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं इसके उल्टी सिलाई और तीसरी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई को भी फ्रेंड्स हम पहली सिलाई की तरह ही पूरी सिलाई को इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे और बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं फ्रेंड्स इसकी फोर्थ सिलाई की तरफ। फोर्थ सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से बनाएंगे। फोर्थ सिलाई है और सीधी सिलाई है, ध्यान से देखिए फोर्थ सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम ऐसे सीधे और बनाएंगे। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, यहाँ से हम जो ये होल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ से हम लंबा धागा लेके एक यहाँ से लूप बनाएंगे और ढीला फंदा बना लेंगे। अब हम 4 फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर से हम इसी होल से सिलाई डालेंगे और 1 फंदा फिर से हम ऐसे लूज बनाएंगे इस तरह से। फिर से अब हम ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 1, 2 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ से हमें एक होल दिखाई दे रहा है, इसमें हम सिलाई डालेंगे और फिर से हम 1 फंदा ऐसे लूज बना लेंगे। फिर से आगे हम 4 फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर से हम जिस होल से मैंने पहले लूप बनाया था उसी होल से मैं फिर से सिलाई डाल लूँगी और 1 फंदा फिर से ऐसे लूज बना लूँगी। इस तरह से फंदे को लूज बना लेंगे। फिर से हम अगले 2 फंदे छोड़ेंगे, 1, 2, फिर से
इस फंदे के यहाँ नीचे से यहाँ एक होल दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम फंदा डालेंगे और लूज फंदा बना लेंगे। फिर से हम चार फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे, दो तीन और ये चार। फिर से हम जहाँ से मैंने ये फंदा निकाला था इसी होल से ऐसे हम निकाल लेंगे। फिर से हम अगले दो फंदे छोड़ेंगे, एक दो, दोनों फंदों के बीच से यहाँ से नीचे से दो सिलाई ये और दो ये, इनके नीचे से ये होल दिखाई दे रहा है, इसमें की सिलाई डालेंगे और ऐसे लूज फंदा बना लेंगे। अगले चार फंदे फिर से सीधे, चौथी सिलाई है और सीधी सिलाई है। चार फंदे बनाने के बाद एक बार फिर से हम इसी होल से फंदा बनाएंगे और लूज फंदा ही बनाएंगे। फिर से हम अगले दो फंदे छोड़ेंगे, एक दो, और इसके बीच वाले यहाँ से इस होल से निकाल के और एक फंदा फिर से हम ऐसे सीधा बनाएंगे। फिर से हम चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार। फिर से हम इसी होल से दोबारा एक फंदा फिर से बना लेंगे और इस फंदे को थोड़ा सा ऐसे लूज फंदा बनाएंगे। फिर से अगले दो फंदे छोड़ के यहाँ नीचे से लेके और ये होल है इसमें से फिर से हम एक लूज फंदा बनाएंगे और चार फंदे फिर से सीधे बना लेंगे, एक दो तीन और ये चार। फिर से हम इसी होल से एक फंदा और ऐसे बुन लेंगे, इसे हम थोड़ा सा लूज फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर से अगले दो फंदे छोड़ेंगे और नीचे से यहाँ से सिलाई डालेंगे और ऐसे सीधा फंदा निकाल के और लूज फंदा बना लेंगे। अगले चार फंदे अब सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार। फिर से इसी होल से एक फंदा और हम लूज बनाएंगे इस तरह से। फिर से अगले दो फंदे छोड़ के और यहाँ से दो सलाई ये पिंक वाली और दो ये, इनके नीचे से यहाँ से हम चार सलाई के नीचे से सलाई डालेंगे और ऐसे लूज फंदा बुन लेंगे। फिर से हम चार फंदे सीधे, एक दो तीन और चार। फिर से हम इसी होल से एक सलाई डाल लेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से अगले दो फंदे छोड़ेंगे, एक दो, दो फंदे छोड़ने के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच नीचे से दो सिलाई ये और दो ये, इनके नीचे से यहाँ से हम सिलाई डालेंगे और एक लूज फंदा फिर बनाएंगे। अगले चार फंदे फिर से सीधे, एक दो तीन और ये चार। फिर से हम इसी होल से सिलाई डालेंगे और एक फंदा लूज फिर से बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपनी इस फोर्थ सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। मैंने फोर्थ सिलाई को यहाँ तक बनाकर एंड तक कंप्लीट कर लिया। लास्ट के बचे हैं मेरे ये दो फंदे, इन्हें हम ऐसे सीधा ही बना लेंगे। अब आ गए हम इसकी पांचवी सिलाई है फ्रेंड्स, और उल्टी सिलाई है। पांचवी सिलाई को भी आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से बनाई जाएगी। पहले दो फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, जो फंदा मैंने यहाँ लूप से बनाया था उस फंदे को ध्यान से देखिए हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और अगले चार फंदे फिर से उल्टे बनाएं। जो मैंने लूप बनाया है उस फंदे को तो हम स्लिप करके बगैर बुना ही ऐसे उतार लेंगे। ये तीन और एक ही रह गया चार,
इस लूप वाले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फिर से हम लूप वाले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, इसे हम बनाएंगे नहीं, बिना बुने ही उतार लेंगे। फिर से अगले चार फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे। फिर से आ गए हमारे दो फंदे लूप वाले, इन्हें ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर से अगले चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे। पांचवी सिलाई फ्रेंड्स उल्टी साइड से, ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। सिर्फ हम दो जो हमने लूप बनाया था, लूप से फंदा बनाया था, उसे बगैर बुना उतारेंगे, बाकी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। ये लूप वाला फंदा ही दोनों फंदों को बगैर बुने उतार लेंगे। अगले चार फंदे फिर से हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है और बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन है, देखने में भी सुंदर है। इसे आप कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, बच्चों के फ्रेंड्स किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, डलने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। छह सिलाई का डिज़ाइन है। फिर से अगले चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तीन और एक ये चार। फिर से अगले दो फंदे लूप वाले स्लिप करेंगे। फिर से हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी पांचवी सिलाई को बनाते हुए फ्रेंड्स कंप्लीट कर लें। लूप वाले फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और बुने हुए फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। अगले चार फंदे फिर से हम उल्टे बनाएंगे चार। फिर से दो फंदे ऐसे उतार लेंगे। फिर से चार फंदे उल्टे, दो तीन चार। फिर से हम फंदे को, दो फंदों को यहाँ से ऐसे लूप वाले फंदे को बगैर बुने उतार लेंगे। फिर से हम अगले चार फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, तीन चार। फिर से इस फंदे को स्लिप करेंगे, अगले को भी स्लिप करेंगे, चार फंदे आगे उल्टे बना लेंगे। ये मैंने पांचवी सिलाई को उल्टी साइड से बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गए छठी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से बनाई जाएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर एक दो तीन और ये चार, चार फंदे सीधे बनाएंगे। अब जो ये लूप वाला फंदा है इसे हम किस तरह से बनाएंगे, इससे अगला फंदा जो इसे इस तरह से हम सिलाई के अंदर से लेंगे और इस फंदे को भी सीधा बना के लूप वाले फंदे को इसके साथ ऐसे स्लिप कर देंगे। अगले फिर से ये फंदे को, ये हो गए एक दो तीन और ये फोर्थ, फोर्थ वाले फंदे को जो लूप है इसके ऊपर से ऐसे गिरा के और इसको भी हम सीधा बना देंगे। फिर से हम इस लूप के अंदर से ऐसे सिलाई डालेंगे फंदे में और सीधा फंदा बना लेंगे और इस लूप वाले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बनता हुआ जाएगा। फिर से हम अगले दो तीन, तीन फंदे हमारे हो गए सीधे। फिर से इस लूप वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा के और इसे सीधा बना लेंगे। फिर से जो लूप वाला फंदा इसके अंदर से जो फंदा दिखाई दे रहा हमारा सीधा, इसे सीधा बनाएंगे और लूप वाले फंदे को भी ऐसे हम स्लिप कर लेंगे। फिर से अगले फंदे ये दो तीन, तीन फंदे हो गए। फिर इस फंदे को ऐसे गिराएंगे और इसे सीधा बनाएंगे। फिर से इसमें से निकालेंगे एक, इसे हम ऐसे गिरा देंगे, दो और तीन, और ये फोर्थ वाले फंदे को यहाँ से इसके ऊपर से सिलाई से ऐसे गिरा के और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनता हुआ दिखाई देने लग गया।
छठी सिलाई है और सीधी सिलाई है। पूरी सिलाई को फ्रेंड्स हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से इसके अंदर से सेकंड वाले फंदे को निकालेंगे और बना के सीधा स्लिप करेंगे और फिर अगले दो फंदे सीधे बनाएंगे। फिर से हम ये लूप वाले फंदे को ऐसे स्लिप करके सीधा बना लें। फिर से हम इस फंदे को इसके अंदर से सेकंड वाले फंदे को लेके सीधा बनाएंगे और लूप वाले फंदे को इसके साथ ही ऐसे स्लिप कर देंगे। एक दो तीन और ये चार। फिर से इसके अंदर से फंदे को लेंगे, सीधा बनाएंगे, इसे स्लिप कर देंगे। एक दो तीन, इस फंदे को चौथे फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और ऐसे सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर से हम इस फंदे को यहाँ से निकालेंगे लूप के अंदर से और दोनों फंदों को ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर दो तीन, चार चार फंदों का डिज़ाइन है और बिल्कुल ही आसान डिज़ाइन है। फिर से लूप में से फंदा निकाल के और सीधा फंदा बना के लूप गिरा देंगे। फिर से दो तीन, चौथे फंदे के ऊपर से इसे गिरा के और चौथे फंदे को भी हम सीधा ही बुन लेंगे। फिर से इसके अंदर से ये सीधा फंदा ऐसे बुन लेंगे। फिर से दो तीन, और इस लूप को इसके ऊपर से चौथे फंदे के ऊपर से गिरा के और सीधा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनता हुआ दिखाई देने लग गया। फिर से हम इसके अंदर से ऐसे फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से दो तीन, चौथे फंदे को यहाँ इसके ऊपर से गिरा के और सीधा बना लें। फिर से इसके अंदर से सेकंड फंदे को हम लूप के अंदर से लेके और अब लूप को गिरा लेंगे। एक दो तीन, और ये इसके ऊपर से गिरा के चार। फिर से इसके अंदर से सेकंड फंदा निकाल के और सीधा बनाएंगे और लूप को गिरा देंगे। दो तीन, चौथे फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे लूप को और इस चौथे फंदे को भी सीधा बना लेंगे। छठी सिलाई है फ्रेंड्स, सीधी सिलाई है, बिल्कुल ही आसान डिज़ाइन है। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनता हुआ आया है। अब फ्रेंड्स, हम सातवीं सिलाई को, हम पूरी सिलाई को धागा चेंज करके पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। धागा हमने उल्टी साइड से चेंज करना है ताकि यहाँ से हमारा फिनिशिंग दिखाई दे। मैंने पूरी सिलाई को धागा चेंज करके उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया। इन्हीं सिलाइयों को फ्रेंड्स आप रिपीट करते हुए जाएंगे तो हमारा ये सुंदर सा डिज़ाइन बन के आएगा। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।